हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल आई एम सुमन फर्स्ट ईयर एम स्टूडेंट एट पी एम सी एच पटना जिस सिचुएशन में आप लोग अभी हैं जो स्टेट ऑफ माइंड आपका है द सेम फेज आई वल्सो गोन थ्रो मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ कि फिजिक्स कम्प्लीट नहीं हुए हैं मैंने ये डिसाइड किया था आज ये कम्प्लीट करना था ये भी कम्प्लीट नहीं हो पाया टेस्ट में मेरे बायो में कम आ गए फिजिक्स केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है वो सब सिचुएशन मेरे साथ भी हुए थे सेम सिचुएशन बट uh, आपको हैंडल करना है आपको इस सिचुएशन ओवरकम करना है कि आ, आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कैसे ये सिचुएशन को हैंडल करना है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए uh, क्या करना चाहिए तो सबको पता है कि uh, इस इससे करने से मार्क्स इंक्रीज होते हैं बट क्या नहीं करना चाहिए जिसके वजह से सिलेक्शन रुक सकता है तो uh, तो मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए फर्स्ट वन इज ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस ओवर थिंकिंग की वजह से ही स्ट्रेस आता है आप ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ये कैसे होगा मुझसे नहीं हो पा रहा है मे ये इतने चैप्टर बाकी है टेस्ट आज टेस्ट है तो मेरा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ओवर थिंकिंग क्यों करना है आप पूरे महीने भर का टारगेट क्यों बना रहे हैं आप दो दिन का एक दिन का टारगेट बनाइए कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है लेवल डिक्लाइन कर देता है मतलब आपका लेवल जहां थे वहां से और नीचे हो जाएंगे उस ओवर स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेस की वजह से आप अपने स्टडी में कंसंट्रेटेड भी नहीं हो पाएंगे जब आप पढ़ने जाइएगा तो आप यही सोचिएगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है कैसे होगा आपके सामने बुक भी खुला रहेगा बट आप एक अलग जोन में चले जाइएगा कि ऐसे करेंगे तो कैसे होगा चार महीना बाकी फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर हैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीज बहुत सारे माइंड में तुम बहुत सारे माइंड में आएंगे मेरे माइंड में भी आते थे कि मेरे इनऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं इनऑर्गेनिक पढ़ना है इनऑर्गेनिक याद नहीं हो रहा है आज याद कर रही हूँ कल भूल जा रही हूं कैसे होगा तो स्ट्रेस मेरे अकॉर्डिंग मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेस जो अब स्टूर्ण, अभी स्टूडेंट अभी स्टूडेंट को आ रहे हैं वो हार्मफुली है, स्ट्रेस नहीं लेना है तो माइंडेड आपको स्ट्रेस नहीं लेना है Uh, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न फेलियर का मतलब नॉट सेलेक्टेड सेलेक्शन नहीं होने का रीज़न स्ट्रेस ही होता है आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छे जोन में थे बट लास्ट मंथ में आके आप स्ट्रेस लेने लगे कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है तो वही आपके रिजल्ट को खराब कर सकता है इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव स्टडी हमें क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं करना है हमें जितना एक्सट्रैक्ट हो सके उतना एक्सट्रैक्ट करना है अगर आप कोई कंटेंट भी पढ़ रहे हैं तीन चार घंटा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका नेट गेन जीरो है तो उस टाइम आपने सिर्फ वो टाइम किल किया आपने कोई उसमें इनपुट लिया ही नहीं तो वो नेट गेन जीरो है इसको हमें क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं करना है मुझे क्वालिटेटिव स्टडी करना है हम आधे घंटे ही पढ़े बट कंटेंट जितना हो सके हम उससे ले सके और मेरे मतलब हमारे ब्रेन में स्टोर हो सके तीन चार घंटे पढ़ लिए और नेट इनपुट जीरो तो क्या फायदा वो हमारा टाइम भी किल हुआ और तो हमें जब स्टडी करना है तो अटेंटिव होकर स्टडी करना है हर एक लाइन को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है एक स्टोरी जैसा किसी को रीड नहीं करना है इसलिए टाइम आपका टाइम भी बचेगा तो आप अटेंटिव होकर एक लाइन भी पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए उस लाइन में बहुत सारे पॉइंट रहते हैं मैंशन जो हम अगर स्टोरी जैसा पढ़ेंगे तो वो नहीं समझ में आने वाला उस पॉइंट पे हमारा नजर भी नहीं जाने वाला इसलिए जब भी कोई कॉन्टेंट पढ़ रहे हैं या रीड कर रहे हैं या तो उसे अटेंटिव होकर पढ़िए लाइन बाई लाइन एक हाईलाइटर पेन लेके ही पढ़िए तो सो डोंट रीड एनी टेक्स्ट लाइक अ स्टोरी आपको स्टोरी जैसा कोई भी टेक्स्ट नहीं पढ़ना है Uh, हर एक वर्ड से अब तो हर एक पैरा से क्वेश्चन बन रहे हो चाहे लास्ट पैरा सम्ड़ी हो समरी हो समरी को भी उतना ही अटेंटिव होके पढ़ना है इसीलिए हम लोग को क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं करना है क्वालिटेटिव अगर समरी भी पढ़ रहे हैं तो तो पंद्रह मिनट का काम है पर हम लोग समरी भी पढ़ते हैं तो आधे घंटे में पढ़ेंगे बट एट लास्ट कुछ पता नहीं चला क्या समरी में था जो इसलिए हम लोग को समरी भी पढ़ना है तो अटेंटिव होके पढ़ना चाहे एक लाइन में पढ़ रहे हो तो अटेंटिव होकर पढ़ो वही क्वालिटेटिव स्टडी होता है एंड द थर्ड वन इज यूजिंग मल्टीपल बुक्स हम लोग बहुत सारा बुक रेफरेंस के लिए यूज करते हैं जो हमें अब नहीं करना है और सिर्फ हमें एक ही बुक पे स्टक होना है वो एनसीईआरटी अगर आप अभी तक एनसीईआरटी नहीं स्टार्ट की हैं तो प्लीज स्टार्ट एनसीईआरटी रीडिंग और हमें उसी में स्टिक होना है मतलब सिर्फ हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना है और रेफरेंस के लिए यूज करो अपने क्लास नोट्स को आ, देखो ये आपने बहुत सुना होगा कि रीड वन बुक टेन टाइम्स इंस्टेड ऑफ टेन बुक वन टाइम दस बुक को एक बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक बुक को दस बार पढ़ो तो वही वो जो एक बुक है वो हमारे लिए एनसीईआरटी है नीट एस्पिरेंट के लिए वो बुक है एनसीईआरटी तो आपने अभी आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज एनसीईआरटी पे ही स्टक हो जाइए और मल्टीपल बुक्स यूज करना छोड़ दीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि फेबरस रूट किसमें पाए जाते हैं तो अगर आपने बहुत सारा रेफरेंस बुक यूज किया हो तो उसमें फेब्रस रूट के मेनी एग्जाम्पल्स है बट मैंने पार्टिकुलर एक ही एग्जाम्पल आपसे मांगा है तो आप क्या दीजिएगा तो अगर आपने अगर एनसीआरटी रीड किया रहा था तो आपको स्ट्राइक करता कि हाँ टैप रूट था फिर फेब्रस रूट था फिर एडवेंटिशियस रूट था क्वेश्चन uh, है कि फेब्रस रूट किसने पाया जाता है तो वीट तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ उस फिगर के नीचे मैंने मेंशन किया हुआ था कि वो वीट है और टैप रूट का भी एग्जांपल आप उसी वक्त स्ट्राइक तो आपके माइंड में आ जाएगा और एडवेंटिशर्स तीनों चीज आपके माइंड में एक एक साथ आ गया बट आपने रेफरेंस बुक यूज किया होगा तो आपके इमेज जो माइंड में इमेज बनेंगे वो कुछ एनसीआरटी के बनेंगे कुछ वो रेफरेंस बुक के बनेंगे तो दोनों मैशअप हो जाएगा फिर कंफ्यूजन में वही वही उसी के वजह से हमारा जो होता है ना सीली मिस्टेक का या जो जो हमने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं इसी की वजह से बहुत सारे इमेजेस बन जाते हैं माइंड में अगर आपने एक ही बुक में स्ट्रक किया हुआ तो एक ही उसी बुक का इमेज आपके माइंड में बनेगा और वो डायरेक्ट आंसर की वो वो पेज आपके माइंड में खुलेगा तो, तो यूज ओनली एनसीआर बुक और उसी को अपना हॉली बुक बनाओ एंड द फोर्थ वन इज कम्पेरिजन विद अदर्स हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है हमें अपना स्टैंडर्ड सेट करना है और हर एक फॉर एग्जांपल जैसे गेम में होता है ना कि लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री फिर एट द टॉप लेवल वैसे ही हमें अपना स्टैंडर्ड सेट करना है कि आज इतनी आए है पर वो नेक्स्ट डे इतने स्कोर आएंगे डे बाय डे हमें इंक्रीज करना हमारा ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए दूसरों से हमें मोटिवेट होना है कंपैरिजन नहीं करना है कि उसके इतने आ रहे हैं मेरे इतने ही आ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है वो भी उतना ही पढ़ता है हम भी इतना ही पढ़ता है इसी की वजह से स्ट्रेस ओवर थिंकिंग यही पार्टिकुलर वे है हमारा मार्क्स जो डिक्लाइन हो जाता है इसलिए हमें कंपेयर दूसरों से नहीं करना है हमें अपना ग्राफ इंक्रीजिंग रखना है हमेशा टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए कहीं कहीं किंग आएंगे बट वो हमें 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 हमेशा अपना ग्राफ को इंक्रीज रखना है तो हमें हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है अपना स्टैंडर्ड सेट करना है और अपना ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग रखना है एंड द फिफ्थ वन इज टेस्ट स्कीपिंग हमें इस टेस्ट स्किप नहीं करना है मैं बार बार यही बोल रही हूं कि टेस्ट स्किप नहीं करना है मेजर फॉल्ट यही होता है कि स्किप मॉक टेस्ट स्किप करने की वजह से जो हम लोग पढ़ते हैं उसको रिकॉल नहीं कर पाते उसको रिवाइज नहीं कर पाते आप कितना भी पढ़ लीजिए बट आप एट अ टाइम आप उसको स्ट्राइक आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो बेनिफिट क्या है आपको टेस्ट तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर चाहिए ना तो जितना आप टेस्ट दीजिएगा उतनी जल्दी आपकी इफिशियंसी एक्यूरेसी सब इंक्रीज करेगी इसलिए आपको इस मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि इस मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है चाहे आपके सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो तो भी टेस्ट दीजिए और वो कंटेंट ढूंढिए जो आपकी जो गलती हुई है उसको आप बुक में हाईलाइट कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट नहीं कीजिए तो ऐसे ही आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे एंड ये तो थे कि हमें आप नहीं क्या नहीं करने हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो इफिशियंसी इंक्रीज होगी एक्यूरेसी इंक्रीज होंगी एंड नंबर वन इज समराइज द कॉन्टेंट आफ्टर रीडिंग आप जितना भी पढ़ ली उसका समराइज कीजिए रिकॉर्ड कीजिए और बोलिए कि मैंने ये क्या क्या पढ़ा है जैसे अः कार्बोहाइड्रेट के दो तीन टाइप होते हैं ऐसे रिकॉर्ड कीजिए पूरे कंटेंट को पढ़ने के बाद समराइज कीजिए उससे आप जितना दो तीन पेज कंटेंट पढ़े हैं उसको आप विद इन टेन मिनट आप रिकॉल कर लीजिए उसे आपके माइंड में इमेज uh, बन जाए कि मैं ये ये हूँ फिर नेक्स्ट uh, उसी को लिंक करके फिर नेक्स्ट पेज पढ़ने जा रहा हूँ uh, तो हर दो तीन पेज पढ़ने के बाद फिर उस पेज uh, के कॉन्टेंट को समराइज कीजिए एंड नेक्स्ट वन जो इसी से लिंक है काउंटर रीडिंग हमें काउंटर रीडिंग करना है जैसे अगर आपने इस स्पेस में कुछ कंटेंट पढ़े आपको पता है कि ये चीज कहीं और भी दिए हुए हैं किसी और बुक में चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या बायो हो तो वहां जाके आप चेक कीजिए कि उसके बारे में क्या क्या वहां दिया हुआ है और वहां पे हाईलाइट वहां पर भी हाईलाइट कीजिए और वहां के पॉइंट को यहाँ हाईलाइट कीजिए काउंटर uh, रीडिंग से आप लिंक कर पाइएगा लिंकड वे में पढ़ना है जैसे इस टॉपिक में ये चीज दिए है तो वहां पे भी ढूंढिए तो काउंटर रीडिंग करना है और हमें थर्ड uh, वन है कि हमें फिजिकली और मेंटली फिट रहना है फिजिकली uh, और मेंटली फिट इन सेंस कि हमें अब ऐसा नहीं है कि तैयारी कर रहे हैं तो तुम अलग चले जाए Uh, जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं उस टाइम आप एकदम uh, ये कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़िए बट जो फ्री टाइम है उसमें अपने पेरेंट्स से बात कीजिए जो आपकी हॉबीज हैं वो फुलफिल कीजिए अगर आपको गाना सुनना है तो पांच मिनट सुन लीजिए फिजिकली भी फिट होना और मेंटली भी फिट होना हम, हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर मेंटली फिट नहीं रहिएगा तो आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा तो मेंटली और फिजिकली फिट होने के लिए फोर्थ पॉइंट है मेडिटेशन मेडिटेशन पांच मिनट ही मेडिटेशन कर लीजिए आंख बंद कर लीजिए उससे आपको रिलैक्स आपको माइंड भी रिलैक्स होता, होता है आई भी रिलैक्स होता है आई स्ट्रेन होने लगेगा बहुत लॉन्ग टर्म आप स्टडी कर रहे हैं इसलिए मेडिटेशन फाइव मिनट मेडिटेशन आफ्टर द थ्री आवर्स आप जरूर कीजिए एंड फिफ्थ वन है इज ड्राई फ्रूट्स वॉलट तो ऑन अ डेली बेसिस आप आलमंड्स खाइए ये वॉलनट खाइए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए मेडिटेशन कीजिए फिजिकली और मेंटली फिट रहिए। तो मैंने इस वीडियो में मेन फोकस मेरा था डोंट्स। आपको क्या नहीं करना है और फ्यू अबाउट डूज क्या आपको करना है आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट और तो स्टे मोटिवेटेड कीप स्टडिंग ऑल द बेस्ट थैंक यू